क्या दरभंगा का नाम पहले दरभंगा था, क्या दरभंगा ज़िला पहले था, आइए जानते हैं विस्तार से। ब्रिटिश शासन के तहत दरभंगा 1875 तक सरकार तिरहुत का हिस्सा था, जब इसे एक अलग ज़िले में स्थापित किया गया था। 1875 में दरभंगा सदर उपखंड बनाए गए, 1866 में मधुबनी और 1867 में समस्तीपुर, जिसे ताजपुर के नाम से पहले जाना जाता था। ये 1908 तक पटना डिवीज़न का हिस्सा था, जब मुजफ्फरपुर में मुख्यालय के साथ तिरहुत डिवीज़न बनाया गया था। राज्य में ज़िलों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप जो वर्ष 1972 में प्रभावी हुआ, मधुबनी और समस्तीपुर उपखंड को स्वतंत्र ज़िलों के रूप में उन्नत किया गया और फिर छटनी की गई। दरभंगा ज़िले में दो उपखंड हैं, मतलब दरभंगा सदर और बेनीपुर, जिसमें सभी में 12 विकास खंड शामिल हैं। बिरौल उपखंड 1992 में बनाया गया था और बाद के चरण में 6 विकास खंड बनाए गए, जैसे हनुमान नगर, तारडी, गौराबोराम, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्व और अली नगर। ज़िला उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा और पश्चिम में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से घिरा हुआ है। ज़िले का नाम अपने एकमात्र शहर दरभंगा ज़िला मुख्यालय से लिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना एक दरभंगी खाने की थी, जिसके बारे में व्यावहारिक तौर पर कोई ज्ञात नहीं है। यह भी माना जाता है कि दरभंगा नाम द्वारबंग या दारीबंगा से लिया गया है, जिसका अर्थ बंगाल का द्वार यानी बंगाल का द्वार। यह व्युक्ति बहुत सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि बंगाल और बिहार के बीच विभाजन हमेशा पूर्व की ओर रहा है। हालांकि बंगाल के साथ भाषाई और सांस्कृतिक संबंध यहां से शुरू होने के लिए कहा जा सकता है। दरभंगा शहर ने 1961 में एक शहर जनसंख्या 1,00,000 और अधिक का दर्जा प्राप्त किया है। दरभंगा के महाराजा की सीट है लहरिया सराय, जो ज़िला और संभागीय प्रशासन की सीट है। दरभंगा शहर का एक हिस्सा है राज क्षेत्र महलों में मंदिरों, कार्यालयों, पार्कों, उद्यानों और तालाबों का एक अच्छी तरह से विकसित, एक खूबसूरत से तैयार किया गया परिसर है। क्रमिक महाराजाओं द्वारा निर्मित कई महल हैं, उनमें से महत्वपूर्ण है नरगौना पैलेस, रामबाग पैलेस, आनंदबाग भवन और बेला पैलेस, कामेश्वर सिंह दरभंगा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय दरभंगा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के उपयोग में कई इमारतें हैं। LN मिथिला विश्वविद्यालय ने पुराने राज पुस्तकालय का अधिग्रहण कर लिया है। शायद दरभंगा एकमात्र शहर है जिसके एक परिसर में दो विश्वविद्यालय हैं। जी हाँ, ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा आपको कि दरभंगा के एक परिसर में दो विश्वविद्यालय हैं। दरभंगा के महाराजा पारंपरिक रूप से कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक रहे हैं और अपनी उदारता के माध्यम से मैथिली और संस्कृत के विद्वानों को हमेशा प्रोत्साहन प्रदान किया है। राज्य की स्थापना करने वाले महेश ठाकुर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। यह संपत्ति उन्हें सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई थी, जो महेश ठाकुर के विद्वान और शिष्य रघुनंदन झा से बहुत प्रभावित थे। यह ज़िला मछली, आम, मखाना के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके शैक्षणिक संस्थानों में
चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, चंद्रधारी मिथिला साइंस कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, महिला प्रौद्योगिक संस्थान और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज और कई अन्य संस्थान हैं। दो शहरी स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम दरभंगा और बेनीपुर नगर परिषद। बेनीपुर नगर परिषद को 19 वार्डों में विभाजित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बेनीपुर नगर पालिका की जनसंख्या 75,317 है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने ही। फिर मिलते हैं अगली किसी खास वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।